हाँ जी, किदा मित्रों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अज की वीडियो आप गल कर जा रहे हैं मेरी परसनल जर्नी की, फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट टू कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट। तो वीडियो बनाने का रीज़न यह है, एक तो टी आर टू पी आर पाथवे बारे बहुत लोगों काफ़ी क्वेश्चन आ कि ए ओ आर आ रही वा, कि फाइल प्रोसैस हो रही वा, कि टाइम लग रहा है ना, सारा कुछ। सो मैं अपना परसनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तेरे नाल कि मेरी जो फाइलिंग का प्रोसैस आ वह किदा रहा, किन्ने टाइम पीरियड के मेरी फाइल प्रोसैस होगी। सो वीडियो की शुरुआत करांगे आप, सब तो पहला गल करते जो मेरी स्टडी फिनिश हुई। स्टडी मेरी फिनिश हुई सी सपटेंबर 2020 के, ठीक है। जो स्टडी फिनिश होंगी है सो आप देखा कि प्रोसैस आ पी आर का, किदा किदा आप अपलाई कर सकते हैं ना। सो जो कन्वेंशनल वे हों पी आर लाने का, वो यह है कि तुम अपनी स्टडी जी फील्ड की उस फील्ड जॉब करनी एक साल, तो एक साल जो तुम जॉब ताकि कंप्लीट हो जाती है उस तो बाद एलिजिबल होंगे जो प्रोविंशियल वास्ते, ज कई प्रोविंशियल पहला लाते प्रोविंशियल नॉमीनेशन लाते हैं, जिदा एलबर्टा चाहिए तो ए एन पी आती है, तो उस तो बाद फाइल पैंती है फैडरल, ठीक है। तो मैं भी यह सोचा सगा कि लाइक मैं भी एक साल पहला अपनी स्टडी वाली फील्ड काम करूँगा, तो उस तो बाद जाके आप पूल च फाइल पावे। सो लगभग 2-3 साल का प्रोसैस हैगा यह, है ना, सौखा ही टाइम लग जाता तुहानू, लोगों इन्ना टाइम लग जाता यूजली। तो जो मेरी स्टडी डन हुई सी सो मैं जी जॉब कर रहा मेरी फील्ड की नहीं सी, ठीक है। सो मैं अपने फ्रेंड्स फ्रुंड्स फोन करना शुरू किया कि लाइक मतलब कि मैं अपनी इस फील्ड के जॉब लभ रहा, है ना। तो ऑनलाइन भी मैं काफ़ी अपलाई किया, तो मैं नवंबर से जाके जॉब मिली वह, पर कहते होंगे भी जहाँ मतलब वो जिथे मैं जॉब कर रहा है वो बेसिकली वो वाले बंदे मैनू एक फर्म मैनू डिसीजन दस नहीं रहे थे कि विल दे गिव मी दैट पोजिशन और नो, है ना। सो मैं कहा भी ये बंदे मैनू लटका ही रहे, सो उन्होंने मेरे लगभग 4-5 महीने खराब किए, नवंबर तो लैके मैं मार्च तक उत्थे काम किया, है ना। सो उन्होंने मैनू उस टाइम पीरियड के बस यही कहा भी हाँ जी हाँ जी देखा, है ना, कोई नहीं कर लाँगे, भी हले वेट करो, हले होर बंदे की पी आर लानी असी एंड ओदी एल एम आई लानी, है ना, ऑल दैट स्टफ। सो मैं नवंबर तो मार्च के कह लो भी ट्राई कर रहा है कि मैनू मिल जाए, तो मैं लग रहा है भी बहुत औखा है, ना, भी एक स्टेबल जॉब लभनी जिथे इंपलॉयर तुम वधिया तरीके ने ट्रीट करता हो, वर्किंग कंडीशन गुड हो, है ना, पे रेट तुम गुड मिले, तो उस तो बाद एक साल तुम काम करना। तो क्यों ओबियसली जो तुम एक साल काम करना वा किसी जगह के उत्ते यू वॉन्ट के जी ताकि वर्किंग कंडीशन हो गुड हो, राइट। सो मैनू लग्या नहीं कि उत्थे ये सारा कुछ मिल रहा, सो ना ही वह मैनू कुछ डेफिनेट एक आंसर दे रहे, है ना। सो नवंबर टू मार्च आई वॉज वर्किंग इन माई फील्ड जॉब, पर मार्च के आके मैं क्विट कर दिता फाइनली, कि आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोना वर्क हेयर फॉर अ होल ईयर। तो उस तो बाद मैं अपनी मार्च के आके होर कोई जॉब लभ ली जी कि मेरी फील्ड नहीं सी, बट मेरा पे रेट वधिया सीगा, एंड मैं कहा भी चलो देखी जाओ हुण जो भी हुंदा, है ना, भी कोई नहीं हौली हौली आप अपलाई करी जाना वा, तो जो मिल गई जॉब वधिया आप उत्थे कर लाँगे, है ना, राइट। तो मार्च के मैं उत्थे ज्वाइन किया एंड अप्रैल 14 आई थिंक वन सैकेंड अप्रैल 14 नूं, हाँ जी अप्रैल 14 नूं अनाउंस हुंदा कि टी आर टू पी आर नवा पाथवे एक आ रहा वा। सो तीन स्ट्रीमां सीगियां उहदे विच, एक सीगी इंटरनेशनल ग्रैजुएट, एक सीगी असेंशियल वर्कर जिहड़े फ्रंटलाइन वर्कर काम करदे आ उह, ते एक सीगा हैल्थ केयर वर्कर, ठीक है। सो मैं असेंशियल विच वी नहीं आंदा सीगा ना, मैं हैल्थ केयर च आउंदा सीगा, मेरी जिहड़ी फाइल लगनी सीगी उह लगनी सीगी इंटरनेशनल ग्रैजुएट्स दे विच, कि जिहड़े भी स्टूडेंट कैनेडा दे विच 2017 तों बाद पास आउट होए आ कनेडियन इंस्टीट्यूट्स तों, तो वह इस जी स्ट्रीम एलिजिबल आ फाइल लाने के, 40,000 बंदे उन्होंने पक्के करने से इस स्ट्रीम के इंटरनेशनल ग्रैजुएट्स जी स्ट्रीम सी, ठीक है। तो जो ये प्रोग्राम आया सो मैं वो मन बना लिया कि मैं ये वाला मौका होना हाथों जान नहीं देना, क्योंकि एक तो मैनू एक मेरा टाइम सेव हो रहा भी आई डोंट हैव नीड टू हैव माई फील्ड जॉब, ठीक है। फिर मैं ये भी नहीं सीगा भी मैं एक साल उत्थे अपनी जिहड़ी जॉब आ वह एक साल की परमानेंट रखनी है, उस तो बाद जिहड़ा पी आर का प्रोसैसिंग टाइम सीगा कन्वेंशनल वे दे नाल लाउंदे आ तुसीं अपनी, तो उहदा वह भी काफ़ी ज़्यादा सीगा, है ना। सो बट इहदे विच उन्होंने कहा सीगा कि 2021 दे एंड तो पहला आपां फाइलां प्रोसैस कर देनियां, ठीक है। तो उदों मैनूं सीगा कि लाइक हुण आपां इह मौका जे मिलिया वा तो आपां हत्थों जान नहीं देना, बिकॉज पहला कदी भी
हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਕਨਫਰਮਡ ਬਾਏ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਈ ਜੇ ਮਈ 6 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ ਟੀ ਆਰ ਟੂ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਈ 5 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਉਂਗੇ ਟੈਸਟ ਦਿਉਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮਈ 6 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਕ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆਇਲਸ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਆਈ ਮੈਨੇਜਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 5 ਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਇਲਸ ਵਾਜ਼ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਫੋਰ ਮੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ 8 ਬੈਂਡਸ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਆਲਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ 7.5 ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 7 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੀਟ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਆਪਣੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕ ਅ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫੋਰਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਫੋਟੋਆਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਫਿਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਫਾਈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 40,000 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮਈ 6 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ 44 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਾਊਂਡ 8,000 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ 40,000 ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ 8,000 ਹੋਰ ਸੀਗੇ 8,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਬਾਅਦ ਭਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
एलिजिबिलिटी सिर्फ सिंपल आ सी कि तुसी पासवर्ड होना चाहिए 2017 तो बाद होर कुछ नहीं तुहाडे को ना सिर्फ तुहाडे को परमानेंट जॉब चाहिए सी डजंट मैटर किहड़ी जॉब आ फील्ड की है या किदां डजंट मैटर ठीक है सो इंटरनेशनल ग्रैजुएट दियां फाइलां अगले दिन ही फुल हो गई 40,000 बंदे पूरे हो गए मई 6 नूं खुले सी तो मई 7 नूं फुल हो गई फाइलां ठीक है ओके सो जो डॉक्यूमेंट सके उन्होंने हूँ मेरे को इंडियन पीसीसी है नहीं सी सो इंडियन पीसीसी की मैं वो लाती सी अपनी एक्सप्लेनेशन लैटर तो कैनेडा का पीसीसी तुम्हें चाहिए ही नहीं ठीक है तो आईलैट्स मैं तो सी आईलैट्स मैं लाती सी तो ये डॉक्यूमेंट से मेरे को सारे ना बाकी जो फोटो वर्क परमिट हो गया पासपोर्ट हो गया तो चलो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होंगे वह आप सबमिट करने करने राइट ओके सो आप बाद फाइल ला दें फाइल लाने तो बाद चलो आप थोड़ा रिलीव हों कि चलो आप जो 40,000 मार्क से वी मेड इट अक्टूबर के जाके मैनू मेरी AOR आँदी आ AOR हों कि लाइक एप्लीकेशन नंबर कि लाइक ये कन्फर्मेशन होंगी कि फाइल हूँ आप पिक करके प्रोसैस कर रहे हैं ठीक है तो अक्टूबर के सो नीयरली मेरे कह लो भी तुम 5 या 6 महीने लगे इन्हों इस टाइम पीरियड के मई के आप अपलाई की तो अक्टूबर के लगभग 5 महीने है ना तो उस तो बाद इन्होंने AOR नंबर आंदा मेरा AOR तो लगभग 1 महीने बाद मंगते कि डॉक्यूमेंट सानू प्रोवाइड करो एक तो इन्होंने मेरा इंडियन पीसीसी जिहड़ा आपां नहीं लाया सी एक्सप्लेनेशन लैटर लाई सी आपां एक तो इन्होंने वो मंगिया तो दूजा इन्होंने मेरे तो मंगिया सीगा कि इस फॉर्म दे विच तुहाडी परसनल हिस्टरी रहिंदी आ भी तुसीं ये अपलोड करो बिकॉज कि जिहड़ा तुहाडा प्लस टू जिहड़ा तुसीं कीती 12th कीती तुसीं तो उस तो बाद कैनेडा आने तो पहला उस टाइम पीरियड के जो जो तुसीं कीता जां अनएम्प्लॉयड सीगे जां तुसीं कुछ होर कीता वा उहदी सानू डिटेल प्रोवाइड करो ठीक है सो एक वधिया चीज़ सी कि जो 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 चीज़ा इन्हों कन्फर्म नहीं सीगियां इन्होंने अपना दोबारा मंगिया वो है ना यही सी भी तुहाडी फाइल रिजैक्ट करती भी तुहाडी इनकंप्लीट इनफॉर्मेशन सी सो इंडियन पीसीसी एंड जो फॉर्म दोबारा फिल करना सी वो मैं फिल करके इन्हों अपलोड कर दिता तो तुम कह लो भी AOR तो 1 महीने बाद मैंने उन्होंने मंगी सी इनफॉर्मेशन तो जो मैं इनफॉर्मेशन अपनी अपलोड की आ उस तो बाद 3 या 4 दिन के ही 3 to 4 बिजनेस डेज जिहड़े सीगे उहदे विच विच ही मेरी PR दी कन्फर्मेशन आ गई कि जिहड़ी तुहाडी परमानेंट रेजिडेंसी दी एप्लीकेशन सीगी ओह एक्सेप्ट होगी तो तुसीं अपना जिहड़ा PR पोर्टल आ उहदे उत्ते जाके साइन अप कर लो है ना तो तुसीं कह लो भी 6-7 महीने का टाइम पीरियड सीगा एंड दसंबर दे विच मैनूं 3 साल पूरे होने सीगे कैनेडा दे विच तो जदों मेरे 3 साल पूरे होए आ तो मेरे को अपनी परमानेंट रेजिडेंसी सी ड्यू टू TR to PR पाथवे है ना तो यूजली टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होंगे इस चीज़ के इस करके आप काफ़ी ग्रेटफुल भी हाँ कि इन्नी जल्दी सारा कुछ प्रोसैस अपना डन हो गया सो दैट वॉज़ माई स्टोरी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परमानेंट रेजिडेंसी तो तुम्हें कोई भी स्ट्रैस लैन की लड़ नहीं गी क्योंकि जो हरेक बंदा वर्क परमिट जाता आई नो कि स्ट्रैसफुल हों कि मैं भी स्ट्रैस लिया होगा कि लाइक पता नहीं कदों आनी है पर जो जो तुम इतने आ गए तो सुनर और लेटर तो PR आ ही जानी है सो ये कोई स्ट्रैस लैन की लड़ नहीं गी जो राइट नाउ टाइम आ उन्होंने एंजॉय करो तो PR की वेट ना करी जाओ क्योंकि सुनर और लेटर इसका ना काम ठीक है या दैट वॉज द वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोई भी तुहाडा क्वेश्चन है कॉमेंट्स के मैं कॉमेंट कर दौ तो आई विल रिप्लाई जिन्ना मैं पता होगा मैं डेफिनेटली दसूँगा तुहानू तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो तो सबसक्राइब कर लियो चैनल में थैंक यू